नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। न सिर्फ डिंपल यादव बल्कि उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और इस बात की जानकारी डिंपल यादव ने ट्विटर पर ट्वीट साझा करके दी है। डिंपल यादव ने ट्वीट कर ये जानकारी भी दी है कि कोविड टेस्ट कराने के बाद वो कोरोना से संक्रमित पाई गई हैं और साथ ही साथ उन्होंने सभी से ये अपील की है कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं वो भी अपना टेस्ट करा लें। डिंपल यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैंने कोविड टेस्ट कराया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। मैं पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हूँ और कोई भी लक्षण अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपनी और दूसरों की सुरक्षा की दृष्टि से मैंने खुद को अलग कर लिया है। हाल फिलहाल मुझसे मिलने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अपना टेस्ट जल्द ही करा लें। बता दें आपको, डिंपल यादव घर पर ही आइसोलेट हो गई हैं। अपनी बेटी का भी वो इलाज घर पर ही करा रही हैं और जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं उनका नाम मिलिंद वर्धन है, जिन्होंने बताया कि पहले उनकी बेटी को बुखार आया, टेस्ट कराया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उसके बाद डिंपल यादव का टेस्ट हुआ तो वो भी कोरोना पॉजिटिव आई है। बाकी के जो स्टाफ के मेंबर्स हैं उनकी रिपोर्ट भी टेस्ट के लिए भेज दी गई है और अब देखना होगा उस रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है। वैसे जब डिंपल यादव ने ट्वीट किया तो ज्यादातर लोग उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इस पर तंज कस रहे हैं। जैसे एक यूजर ने लिखा, सो सैड, टेक केयर, बी ब्रेव, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, गॉड ब्लेस यू डिंपल। तो वहीं निखिल पंचोली नाम के यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, अरे बीजेपी का वैक्सीन लगवा लिया है क्या इन्होंने? इनका पति तो चिल्ला चिल्ला के आम जनता को बेवकूफ बना रहे थे कि बीजेपी की वैक्सीन है, बीजेपी की वैक्सीन है। अखिलेश नहीं लगाए हो तो उनकी चिंता करो, तुम तो पूरी तरह से सुरक्षित हो। एक और यूजर ने पूछा, अपने देश में वैक्सीन लगवाई थी या फिर विदेश में लगवाई थी? बहरहाल ये चूंकि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं इसलिए इस तरह के तंज आना आम बात है। फिलहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द डिंपल और उनकी बेटी स्वस्थ हो जाए।